कृष्णा, आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस्कॉन बीकानेर की तरफ से आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी को माधव तिथि भक्ति जननी कहा जाता है। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो आइए अपने काल चक्र को घुमाकर हम 5000 वर्ष पूर्व चलते हैं, जहां पर युधिष्ठिर महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम लीला विहारी भगवान श्री कृष्ण से कामिका एकादशी की कथा पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे गोविंद, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कृपा कर मुझे महिमा बताए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जो मनुष्य गंगा में स्नान करने से, केदारनाथ में मेरे विष्णु रूप के दर्शन करने से, पृथ्वी दान करने से, गंडकी नदी में स्नान करने से फल प्राप्त करता है, उससे कई गुना अधिक कामिका एकादशी का व्रत पालन करने से मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत पालन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई साधक कामिका एकादशी की रात्रि जागरण करता है, उसे कभी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। जो साधक पूर्ण श्रद्धा से मुझे तुलसी दल अर्पण करता है, उसे उसके सारे पाप मैं नष्ट कर देता हूँ। जो साधक कामिका एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, भगवान की मंगला आरती और तुलसी आरती करनी चाहिए, उसके पश्चात अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हम सब प्रयास करेंगे कि हम कामिका एकादशी का कठिनता से पालन करें। हरे कृष्णा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और आपके कोई एकादशी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।